पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जीवनी पर अपने विचार व्यक्त किए। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी देश के लिए ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सूचना क्रांति के क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर लाने का कार्य किया और आज उन्हीं की बदौलत सूचना क्रांति के क्षेत्र में भारतवर्ष ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज भी उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को भारतवर्ष का हर नागरिक याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी को अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं और उन्हें शत शत नमन करता हूं कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने इस देश में संचार क्रांति से लेकर अनगिनत ऐसे कार्य, युवाओं के लिए मताधिकार से लेकर, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन उनके 7 साल के कार्यकाल में इतने कार्य हुए हैं इस पूरे देश के अंदर जिससे आज हम उन्हीं कार्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार जो बार बार आरोप लगाती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल तो छोड़ो, आप 7 साल का राजीव गांधी जी का ही कार्यकाल देख लो, उसमें ही इतने कार्य हो गए हैं कि 70 साल तो हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे आपको। आप लोग भी आज उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिन योजनाओं को कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था। वहीं इस अवसर पर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि आधुनिक भारत को बनाने में प्रधानमंत्री राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष में घर घर तक मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, ये राजीव गांधी के प्रयासों का ही नतीजा है। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके 7 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के ही माध्यम से मैं राजीव गांधी को सशत नमन करता हूँ और आज की उनकी शहादत को याद करते हुए इतना कहना चाहूँगा जी, बहुत कम शब्दों में अगर राजीव गांधी जी को कोई उपाधि दी जाए तो आधुनिक भारत के जो जनक हैं तो वो राजीव गांधी जी हैं। आप जानते हैं, जिस आप देखिए जिस मोबाइल से आप मेरा इंटरव्यू उस टाइम पे ले रहे हैं, तो ये भी आज कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने जितना कुछ इतने कम समय में इस देश के लिए किया वो शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा उनकी शहादत को। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखिए, आज एक बड़ा विवादित मुद्दा भारत में राम जन्मभूमि का रहा है और उसका भी अगर कहीं श्रेय राजीव गांधी जी को दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने ही सबसे पहले राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।